Hello guys, welcome back to our YouTube channel Study Up. So today we are going to learn some personality related vocabulary. Okay, आज हम सीखने वाले हैं कुछ personality related vocabulary. तो बने रहिए वीडियो की एंड तक, क्योंकि इसमें आप सीखने वाले हैं बहुत different different vocabulary की व्यक्ति का नेचर कैसा है, किस पर्सन का नेचर कैसा है, उसे कैसे क्या वर्ड हम उसे बोल सकते हैं, वो आज सीखेंगे आप इस वीडियो में. तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टबन. स्टबन मतलब होता है जिद्दी, जो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टबन. किसी का नेचर ही होता है कि वो जिद्दी होता है, किसी को कुछ भी बोला जाए वो करेगा तो अपने ही मन की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टबन. अब जैसे एग्जाम्पल, फॉर हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि तुम बहुत जिद्दी हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेते हैं एग्जाम्पल, यू आर वेरी स्टबन. एग्जाम्पल लिख लिया है, यू आर वेरी स्टबन. जब आप किसी को बोलेंगे तुम बहुत जिद्दी हो, तो आप क्या बोलेंगे, यू आर वेरी स्टबन. नेक्स्ट है हमारे पास टॉकेटिव. टॉकेटिव होते हैं कुछ कुछ लोग, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बातूनी, मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं, बस बोलते ही रहते हैं बोलते ही रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, टॉकेटिव. तो जैसे कि मैं बोलूंगी कि वह बहुत बातूनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, She is very talkative. यहाँ पे क्या हो जाएगा, She is very talkative. मतलब वह बहुत ज्यादा बातूनी है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास taciturn. Taciturn किसे बोलते हैं हम, जो मतलब यहाँ पे लिखा है अल्पभाषी. अल्पभाषी मतलब जो बहुत चुपचाप रहता है. कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वे ज्यादा नहीं बोलते, बस चुप ही रहते हैं, वो मौन धारण किया रहता है उन्होंने. मतलब कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव क्या होता है, उनका नेचर ही होता है कि बहुत कम बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, taciturn. जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं बोलूंगी, राम बहुत अल्पभाषी है, वह मतलब बहुत कम बोलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इज taciturn. मतलब राम क्या है, अल्पभाषी है. नेक्स्ट है हमारे पास stingy. Stingy मतलब कंजूस. आपने एक वर्ड और भी सुना होगा जिसे हम बोलते हैं माइजर. अब यहाँ पे क्या है, stingy, तो मतलब जो बहुत ज्यादा कंजूस होता है. कुछ लोग होते हैं कि भाई अपने पैसे देंगे ही नहीं, पार्टी हो रही है, हाँ हाँ तुम्हारे पैसे से आज पार्टी कर लेते हैं, पर अपने पैसे तो देने ही नहीं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, यू आर वेरी stingy. क्या बोलेंगे, यू आर वेरी stingy. यू आर वेरी stingy. ठीक है, तो जो भी, जब आपके जो फ्रेंड होंगे या कोई भी आपका कोई कंजूस फ्रेंड होगा, तो आप क्या बोलेंगे, यू आर वेरी stingy. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिकल. फिकल मतलब क्या होता है, चंचल. कुछ लोग होते हैं जिनका मन लगता ही नहीं है, उनका मन बस इधर उधर भटकता ही रहता है, चंचल मन के होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फिकल. एक सुना होगा आपने, यू आर फिकल माइंडेड. जैसे कि एग्जांपल फॉर मैंने बोला, रीना क्या है, चंचल दिमाग की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीना इज फिकल माइंडेड. क्या हो जाएगा, रीना इज फिकल माइंडेड. रीना इज फिकल माइंडेड मतलब रीना क्या है, चंचल दिमाग की है. अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उनको मेंशन करना है जो क्या है, फिकल माइंडेड है. नेक्स्ट है हमारे पास मिस्चीवियस. ये क्या होते हैं, जो बहुत शरारती होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मिस्चीवियस. जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं बोलूंगी कि वे बहुत शरारती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर वेरी मिस्चीवियस. ठीक है, यहाँ पे आप mischievous लिखेंगे, यहाँ पे example है ये, आप क्या बोलेंगे, they are very mischievous. जो बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, नटखट होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो करते ही रहेंगे उल्टे काम, तो उनको हम क्या बोलते हैं, शरारती बोलते हैं. ठीक है, mischievous बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पिकी. पिकी किसे बोलते हैं हम, जो बहुत ज्यादा नकचड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे मतलब गुस्सा हो जाते हैं. तो जैसे कि एग्जांपल फॉर अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि मेरी जो फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड बहुत नकचड़ी है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड इज वेरी पिकी. यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम एक, माई फ्रेंड इज वेरी पिकी. यहाँ पे क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड इज वेरी पिकी, मतलब मेरी दोस्त क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, नकचड़ी है.
नेक्स्ट है हमारे पास ग्रम्पी। ग्रम्पी किसे बोलते हैं? हम जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, मतलब किसी किसी का नेचर ही ऐसा होता है कि वो प्यार से वो बात ही नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी पूछो उनसे वो चिड़चिड़ा चिड़चिड़ मतलब वो इरिटेट ही रहते हैं हमेशा। तो वो जो लोग थोड़े चिड़चिड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रम्पी। क्या बोलते हैं? ग्रम्पी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लबल। ग्लबल मतलब क्या होता है? आपका जो भोला होता है, जिसे हम इनोसेंट भी बोलते हैं। इनोसेंट तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये आपके पास एक यूनिक सा वर्ड है जिसे हम क्या बोलेंगे? ग्लबल। ग्लबल मतलब क्या होता है? जो भी भोला होता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं बोलूंगी राम बहुत भोला लड़का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम इज वेरी ग्लबल बॉय, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? राम क्या है? राम बहुत भोला लड़का है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पगनेशियस। पगनेशियस मतलब आपका क्या होता है? कुछ लोग होते हैं झगड़ालू, जो मतलब जिनके दिमाग में बस कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ समझाने के लिए बोल रहा है, बस वो क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं लड़ाई करने के लिए। तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? पगनेशियस, मतलब जो झगड़ालू होते हैं। तो जैसे कि मैं बोलूंगी वे दोनों बहुत झगड़ालू हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? They both are very pugnacious, pugnacious. तो यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल लिखा है, दे बोथ आर वेरी पगनेशियस, मतलब वे दोनों बहुत झगड़ालू हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनका बस झगड़ा करने का ही काम है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पगनेशियस। So yeah guys, I hope you have understood everything. If you have any kind of doubt, you can ask me in comment section. अगर आपको कोई डाउट लगता है, किसी भी वोकैबुलरी में आप कोई परेशानी लगती है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कौन सी नई वोकैबुलरी सीखी और कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी, वो कौन सी वोकैबुलरी आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।